बादल होरां ने कल ये कह के छापा मारिया कि इत्थे रेता की चोरी हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। सो मैं एक गल हासोहीणी स्थिति है, चोर मचावे शोर। मैनू वो दिन याद आ गए जदों 2016 दे विच असी अंदोलन सत्याग्रह आरंभ किया रेता ते बजरी चोरां दे वरखलाफ, क्योंकि पंजाब दे अंदर रेता ते बजरी चोरी की शुरुआत किने की? बादल परिवार ने। पहला बिल्कुल कोई रेता चोरी, इलीगल माइनिंग, सैंड माफिया कदे नहीं पंजाब दे विच पनपिया सीगा। बादल गवर्नमेंट दे 10 सालां दे राज दे विच पहली टर्म 12 वाली टर्म जिहड़ी आ 7 तों 12 वाली उहदे च इलीगल सैंड माफिया पनपिया ते असी अंदोलन सत्याग्रह शुरू किया 2016 दे विच। पहली बारी असी पूरा मीडिया नाल लैके अंदोलन सत्याग्रह लुधियाणा सतलुज के कंढे तो शुरू किया एंड साढ़े उत्ते 29 जाणियां ते FIR दर्ज करके जानों मारन की नीयत नाल हमला, मतलब कि धारा 307 लाई गई। हुण तुसी दस दिओ भी रेता माइनिंग पॉलिसी के वरखिलाफ कोई एजीटेशन करना हो कि असी रेते नूं जानों मारन की कोशिश की? अज भी असी मुकदमे दीआं तरीकां भुगत रहे हां मानयोग अदालत दे विच जाके 29 मैंबर। फिर दूसरा सी रोपड़ दे विच बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते लीगल रेता चोरी बादलों की सरप्रस्ती दे थले। पूरे पंजाब दे अंदर जिथे भी रेता दे बजरी का काम चोरी हुंदा, इलीगल माइनिंग हुंदी, उहदे पिछे बादल परिवार, मजीठिया परिवार, इन्हां दे पाले हुए गुंडे। ते सानू पोजेवाल थाणा जिहड़ा नवां शहर है उत्थे मुकदमा 40 बंदियां दे उत्ते दर्ज किया। 40 बंदे असी जेल च गए, पहली बारी जेल च गए मेरा ख्याल 2.5 महीनों बाद जमानतों के बाहर आए, दूसरी बारी जेल गए मेरा ख्याल 16-17 दिन बाद जमानत हुई। तो असी वो मुकदमा मानयोग नवांशहर की अदालत के मानयोग जज साहब ने सानू बरी किया। तो जिहड़ा लुधियाने वाला अंडर सैक्शन 307 अटैम्प्ट टू मर्डर धरावान ला के 29 साढ़े मेरे समेत जहेदार बलविंदर सिंह बैंसुरां दे समेत साथियों से दर्ज किया। अज भी असी धरावान के तहत 307 दियां धरावान के तहत दर्ज मुकदमे दियां तरीकां भुगत रहे हैं। हासोहीणी स्थिति है कि कल सुखबीर सिंह बादल रेड करन चले गए भी रेता चोरी कित्थे हो रही, इलीगल माइनिंग कित्थे हो रही है। मेरा ख्याल शायद वह भुल गए, उन्होंने पुराना समा याद आ गया भी ये हिस्सा नहीं दे के गए सानू। हो सकता उस पुराने भावनात्मक बहन दे विच बहंदे हुए पुरानियां गल्लां मन दे विच याद आ गईयां भी रेता बजरी दे विच हिस्सा किहड़ी खड तों नहीं आया। सो चोर मचावे शोर अपनी पीढ़ी हेठ सोटा नहीं फेरिया कदे। अज पंजाब दे अंदर जदों रेता बजरी चोरी इलीगल माइनिंग ऑफ सैंड की गल हुंदी आ ते बादलों का नाम लोग पहला लैंदे आ। सो अज भी जे पिछले 10 साल बादलों की सरकार दे विच रेता बजरी चोरी हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नूं 4.5 साल हो गए, अज भी निरंतर रेता दे बजरी की चोरी जारी। मैं दावे नाल कहना कि पंजाब दे अंदर जे ट्रांसपेरेंसी दे नाल सैंड की चोरी बंद हो जाए, बजरी की क्रशर की चोरी बंद हो जाए, इलीगल माइनिंग बंद हो जाए, तो असी तकरीबन 4 साल 2 लाख करोड़ रुपया कमा सकते हैं। 2 लाख करोड़ तो पंजाब के सिर पर कर्जा कि मैं 3 लाख करोड़ का, मतलब 6 साल के समय के असी पंजाब नू रेता बजरी जिहड़ी रेवन्यू आना पैसे आने आदि चोरी रोक लईए, 6 साल च असी पंजाब नू कर्जा मुक्त कर सकते हैं। 3 लाख करोड़ रुपये का बंदोबस्त ते प्रबंध, इलीगल सैंड बंद करके इलीगल क्रशर माफिया नू नकेल पा के असी पंजाब नू 6 साल के अंदर कर्जा मुक्त कर सकते हैं। सो बड़ा हासोहीणा कि सुखबीर बादल जाके जिथे रेता चोरी हो रहा उथे रेड करन गया। शर्म आनी चाहिए आ इन्हां लोगों नू जिन्हां ने पंजाब का 10 साल बादलां ने ते 4.5 साल तो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूज़ DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।